नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। एक खूबसूरत नज़ारा कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश के झांसी का नज़ारा है, LBM स्कूल का। और आप जो देख रहे हैं, ये तैयारियाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के लिए हो रही हैं। 24 तारीख को मुख्यमंत्री का झांसी आगमन है। कुर्सियां लग गई हैं। तैयारियां पूरी हैं। थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी आज कल में हो जाएगी। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये गैलरी बनाई गई है। सामने आप जो देख रहे हैं, मंच बनाया जा रहा है, वहीं से संबोधन करेंगे जनसभा को। वहाँ से जब संबोधित करेंगे तो सबको दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा ऊंचा बनाया जा रहा है। इस जगह पर तो मुख्यमंत्री का आगमन है और झांसी की सड़कें चमाचम हो रही हैं। रात में भी काम चल रहा है, रंगाई पुताई। ये चमचमाते सफ़ेद कवर के सोफे डले हैं। हमारे चाहने वाले सब्सक्राइबर कमेंट भेज रहे थे, सर जी झांसी में कहां पर आगमन हो रहा है मुख्यमंत्री का? तो ये LBM स्कूल है झांसी का, जो कि खंडेराव गेट बोला जाता है, आशिक चौराया भी कहते हैं। रोड पे आगे नई बस्ती पास में है, वहीं पर LBM स्कूल है झांसी में। और इसी जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा होगी, प्रबुद्ध सम्मेलन। झांसी में सारी रोड सड़कें चमाचम हो रही हैं, व्यवस्था में और सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, सॉरी होने पाए, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। एक गैलरी बनाई गई है जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर कमेंट भेजें और हम आप तक अपडेट ना पहुंचाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अब थोड़ी ठंडक होने लगी है। शॉर्टर जैकेट लग ठंडक होने लगी है रात की समय गाड़ी पर। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े चर्चा में हैं, क्योंकि गुंडे माफिया थर-थर कांप रहे हैं और जो गलत काम कर रहे हैं उनके काउंटर भी हो रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा आप जो देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के आगमन के लिए तैयारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री
उसी मंच से जो सामने आप देख रहे थे, लोगों को संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं को बताएंगे, जिससे कि जन जन तक, घर घर तक पहुँचें और उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी जन जन तक उनकी नीतियों को और प्रधानमंत्री की नीतियों को घर घर तक पहुँचाएँ। पूरी समीक्षा भी की जाएगी, जो उनकी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश शासन की, हर योजनाओं का समीक्षा लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे, अधिकारियों से भी खास निर्देश दे चुकी है सरकार कि जितनी भी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, जन जन तक पहुंचना चाहिए और लाभार्थी को लाभ मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों पर पैनी नज़र खुद मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जिससे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे और लाभार्थी लाभान्वित हों। जैसा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री का नारा है, सबका साथ सबका विकास। सामने आप जो देख रहे हैं, ये बांस बल्ली लगाई जा रही है, पूरी बल्लियाँ बांधी जा रही हैं, उस पर जाली बांधी जा रही है, जिससे इस तरफ से उस तरफ लोग ना जाने पाए और लाइन लगाकर लोगों का आना जाना बना रहे और सुचारू यातायात व्यवस्था बनी रहे। हर जगह व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं। सड़कों को चमाचम किया जा रहा है और ये जाली लगी है, बल्ली बनी है, इधर से उधर ना जाने पाए। जैसा कि ये लोहे की ग्रिल लगी है, वो बल्लियों से ग्रिल बनाई जा रही है, बल्लियाँ लगाई जा रही हैं। जैसे लोग बाग सही तरीके से लाइन लगाकर सामने आप जो देख रहे हैं, ये वीरांगना झलकारी बाई पार्क है। आज 192 जयंती मनाई गई और वीरांगना झलकारी बाई के जन्मोत्सव पर मिनी मैराथन दौड़ भी हुई और बच्चों को सम्मानित भी किया गया। एक किले की ओर जाने वाली सड़क है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चमचमा रही है लाइटों से। ये जीवन साथ चौराया है झांसी का, मुख्यमंत्री जी के आगमन पर आप देख सकते हैं स्वागत में होर्डिंग लगी हैं और तिरंगा लाइटें सुंदरता बढ़ा रही हैं झांसी की। स्वागत में कोई पीछे न रह जाए। श्री योगी आदित्यनाथ जी के वीरभूमि झांसी आगमन पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माननीय राजीव पारिछा विधायक बबीना, मुकेश मिश्रा जिलाध्यक्ष,
झांसी महानगर, अखिलेश गुप्ता नीलू रक्षा, जिला उपाध्यक्ष झांसी महानगर, जिला निदेशक जिला सहकारी बैंक झांसी। सामने आप जो देख रहे हैं मुख्य चौराया है, इलाइट चौराया है, इलाइट चौराया इलाइट सिनेमा घर है सामने, उसी इलाइट सिनेमा घर के नाम से चौराहे को जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हर जगह होर्डिंग स्वागत में और तिरंगा लाइटें झांसी की खूबसूरती बढ़ा रही हैं। ये रात का नज़ारा है और मुख्यमंत्री जी का आगमन है 24 तारीख को। ये लाइट से सीपरी बाजार की ओर जाने वाला मार्ग है, जैसा कि आप देख रहे हैं। खूबसूरती देखिए झांसी की, हमारी झांसी कितनी खूबसूरत है। और रात में तो दुल्हन की तरह सजी हुई है लाइटों से। वास्तविक झांसी की खूबसूरती देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। साफ सुथरी स्वच्छ झांसी और खम्भों पर तिरंगा लाइट हैं और चार चांद लगा रही हैं। बिल्कुल प्रदूषण भी नहीं, धूल धक्कड़ नहीं, चमचमाती सड़कें। ये जो आप देख रहे हैं कार मुड़ी है, वर्टिकल गार्डन आप देख सकते हैं। पूरी झांसी में लाइटों से चमचमा रहा है वर्टिकल गार्डन। ये जिलाधिकारी की निवास की ओर जाने वाली सड़क है, सर्किट हाउस है आगे। सामने आप जो देख रहे हैं अटल एकता पार्क, गेट नंबर 1, मेरी झांसी मेरी शान, झांसी विकास प्राधिकरण। कितना खूबसूरत नज़ारा है और अंदर का तो और खूबसूरत नज़ारा है, और हम दिखाते रहते हैं। और सामने आप जो देख रहे हैं होर्डिंग लगी है दीपांजलि उत्सव, और लाइटें तिरंगा खूबसूरती बढ़ा रही हैं। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। देखते रहें मार्केट संवाद, मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।